वो जा रहे हैं, शर्मिन का है ऑपरेशन, डोंट गेट मी रॉन्ग कि ऑपरेशन है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो पर्पस नहीं है, बस ये है कि एक अपडेट देने का है। अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, 9:30 की जगह 8:45 हो गया टाइमिंग, तो वो भाई कहीं मुझे आना पड़ रहा है अभी। एक से डेढ़ घंटे का ऑपरेशन डे केयर में होगा, उसके बाद में डॉक्टर खुद ही डिस्चार्ज दे देगा। इसमें आपके ऑपरेशन में तो अगर आपको तो पता होगा तो रुकाते नहीं है मोस्टली। तो अभी हम लोग ऑन द वे है हॉस्पिटल, तो चलिए देखते हैं कैसा जाता है ऑपरेशन। दुआ कीजिए आपको कि इसकी जल्दी रिकवरी हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ही वीडियो आएगा, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि रिकवरी की दुआ कीजिए, जल्दी से जल्द रिकवर हो जाए। और जो एम है इसके कॉर्निया का सेट करने का, वो सक्सेसफुल हो जाए। इतना ऐलान है घर पे अपनी मासी के पास, तो ये ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं। हाँ, हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल क्लिनिक डॉक्टर का, ये देवांग यहाँ पर है इनका हॉस्पिटल। अभी शर्मिन के लिए सादा पानी चाहिए, तो उसके अब्बा गए सादा पानी लेने के लिए, और चलो शर्मिन रेडी फॉर द ऑपरेशन। हाँ, मुझे डर नहीं लग रहा है, तुमको लग रहा है? हाँ, डर तो लगेगा भाई, ऑपरेशन है, तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद मैं अपडेट देता हूँ आपको क्या है क्या नहीं प्रोसेस। अभी हम लोग यहाँ पे एज यूजुअल हमारा फेवरेट फ्राइड इडली खा रहे हैं, है ना? बाबा का फेवरेट, ये खास करके ईजान का फेवरेट है, लेकिन यहाँ की फ्राइड इडली थोड़ी सी अलग है। अंदर से पूरी सॉफ्ट है, अंदर से हार्ड नहीं है। एक सेकेंड, ये देखो बहुत ही कमाल की फ्राइड इडली है। पूजा होटल, कभी ट्राई करना, बहुत अच्छी फ्राइड इडली है, मस्ट ट्राई, रिकमेंडेड। इंजेक्शन, तो ये जो चटनी रहती है ना पुदीने की, अरे वाह, ये देखो हमारा डोसा आ गया। और यहाँ पे ये वाइट चटनी है, तो अब आई हमारी वाइट चटनी के साथ में, आहा, अल्टीमेट बाइट। ये वाइट चटनी कोकोनट वाली बहुत कमाल की रहती है। मेन के ये डोसे का ये सांभर रहता है, तो अब देखते सांभर। तो अब मैं बनाता हूँ एकदम अल्टीमेट वाला, ये आ गई है, ये आ गई हमारी कोकोनट की चटनी, और ये आ गया हमारा सांभर। अब तो तुम्हारी कोकोनट चटनी है ना, इससे ये खाने का टेस्ट बढ़ता है सांभर से, ना क्या बोलते हैं? मेरा सांभर ही मेन इम्पोर्टेंट होता है, वाइट चटनी तो अपना कमाल कर देती है, लेकिन मेन सांभर ही रहता है, तो सांभर ही अच्छा। बहुत अच्छा सांभर, नहीं गिरा। तो अभी इसको करते हैं, फिर मैं आप सब से मिलता हूँ। अरे फोकस हो, फिनिश करके मैं आप लोग से मिलता हूँ। ये जो है पीछे होटल पूजा, इसका साउथ इंडियन खाना बहुत ही ज़बरदस्त, डोसा और उसके साथ में फ्राइड इडली भी बहुत मस्त थी। यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मिसल पाव ले लूँ, क्योंकि तो इनका स्ट्रीट फूड का मिसल पाव भी बहुत अच्छा रहता है, तो यहाँ से लेते फिर घर जाते फिर आप लोग बताते हैं। यहाँ से अभी मिसल पाव एक पार्सल करना है, छुट्टा है मेरे पास, एक पार्सल करो। ऊपर तो
तो ये भी हमारा मिसल पार्सल हो रहा है। हेलो, अरे मिसल की थैली कहाँ है? कहाँ है ऊपर? भाई एक मिनट भाई जी, पार्सल देना। ये आ गया हमारा मिसल पाव, ये स्टोर से ऊपर हॉस्पिटल और नीचे यहाँ पे देखो एनी टाइम यहाँ पर रश रहता है, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लिया जाए। इतना जब खाते ही स्ट्रीट फूड तो यहाँ पे ट्राई कर लेना चाहिए, कैसा लगता है देखते। अब पकड़ेंगे रिक्शा और जाएंगे घर, क्योंकि अभी उसको रेस्ट भी करना है, पूरा डिजीनेस हो गया ऑपरेशन की वजह से। तो बस अब रिक्शा ढूंढ करके फिर घर जाते हैं। इजना इजान भी घर पे है, देखते क्या उनका रिएक्शन रहता है, मिलता आपसे घर में। तो गाइस हम लोग आ करके सो गए थे और शर्मिन को ज़्यादा रेस्ट चाहिए था, तो वो बहुत देर से सो रही थी। उसकी आँख एक साइड से थोड़ी लाल होकर स्वॉलन हो गई है, तो अभी सूज गई है, स्वॉलन हो गई है, सूज गई है जो भी। ये देखो ये चश्मा तो उसको लगा के रखने बोला है, जब भी अगर बाहर भी निकलो या घर में भी रहो तो भी लगा के इसको उतारना नहीं है। सेकेंडली ज़रूरी कि पूरा हाथ साफ रहे, कुछ भी मेडिकेशंस वगैरह जो डालें तो उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़, जो आँख पे ऑपरेशन हुआ है वो आँख का साफ़ करने कुछ इस तरीके से बोली कि कॉटन बॉल्स लो जो आता है उसको बॉईल करो, बॉईल करने के बाद में उसको ठंडा करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखो ये डब्बा जिसमें सब मेडिसिन। अब ये डब्बे का एक ख़ास बात, डॉक्टर से जब हो रही तो डॉक्टर बोल रहे थे कि इसमें धनिया पुदीना वगैरह कुछ भी मत रखो, ये मेडिसिन का डब्बा है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि किसी ने पेशेंट ने उनकी शायद रख दिया था कि इसमें पुदीना और क्या सौंफ पुदीना सौंफ वगैरह किसने रखा था, तो वो डॉक्टर बता रहे थे। ये देखो मेडिसिन दी हुई है, राइट आई की है, ये लेफ्ट आई की है, ये पेन किलर है, ये एसिडिटी की है। इतना मेजर मेडिसिन नहीं दिया हुआ है, बट ये है कि वो आँख को केयर करना है। अब 3 दिन कंटिन्यू डॉक्टर विजिट होगा, सुबह से इतना इजहान को हम लोग नहीं देखे, तो वो लोग अपने नानी के घर पे हैं और हम लोग यहाँ हमारे घर पे हैं। तो इतना इजहान को अभी लेने जाऊंगा मैं, थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, देखता हूँ मैं, क्योंकि अभी इसको ही बचाना है और दोनों को ज़्यादा दूर रख भी नहीं सकते ज़्यादा देर तलक के लिए। तो अभी मैं ये प्रोसेस करता हूँ इसका, फिर जाता हूँ वो लोग को लेने के लिए, फिर बताता हूँ मैं आप लोग को कि वो लोग सुबह से लेकर अभी तक तो दूर थे, तो अभी वो लोग क्या रिएक्शन देते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ इजना और इजहान को लेने के लिए उसके नानी के घर पे से, क्योंकि सुबह से वो लोग मिले नहीं है शर्मिन को, तो जाता हूँ बताता हूँ वो लोग सुबह से नहीं मिले बच्चे भी। तो सुबह से दिल शर्मिन का भी लगा हुआ था कि इजहान इजहान इजहान, और मेरा भी लगा हुआ था कि सुबह से ये लोग जो जब मैं घर में रहूँ तो मस्ती बहुत करते हैं। तो अभी जाता हूँ लेने उन लोगों को मैं। बारिश बारिश बारिश। इजना बेटी गुस्सा है क्या? मिन्नी इजना गुस्सा है क्या? ओ मेरी बच्ची, ओ मेरी बेटी गुस्सा हो गई, आ जाओ मेरे पास मेरा बच्चा। अच्छा सॉरी, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ आजा मेरी गुड़िया, आजा। गुस्सा आया? अच्छा गुस्से में इतना गुस्सा आया?
ईशान। अच्छा ईशान भी गुस्सा है। चलिए क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या खा रहा है, क्या खा रहा है ये ईशान? मेरे पास अच्छी है जू, हमारे पास नहीं जाएगा। अरे बाप रे बाप, आ जा मेरी गुड़िया, हमारे पास जाना है। अच्छा। तो इजना, अरे एक मिनट, तो इजना अपने नाना के साथ चली गई, इजान मेरे पास है। इजान मेरी बात सुन पहले, मम्मा के ना आँख में ना डॉक्टर ने सुई मारा है, हाँ हाँ, तो उसकी आँख पे हाथ नहीं लगाना, हाँ ठीक है, कैसे हाथ नहीं लगाएगा ना। अम्मा के आँख में क्या मारा है डॉक्टर ने? ए ईशान, ईशान इजना क्या मारा अम्मा के आँख में डॉक्टर ने? सुई मारा क्या, इंजेक्शन? हाँ अंजुमन में पड़ेगी वो। अंजुमन में नहीं पड़ेगी जू, अम्मा के आँख में क्या मारा डॉक्टर ने देख? ईशान मेरा बच्चा भी थोड़ा सहमा हुआ है, कुछ नहीं सहमा है, जब से आई खा रहा था। सहमा है वो, इजना सहमा दिख रहा है, क्या खा रही बेटा, क्या जेली 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 वाली बिस्किट बताओ? बाबा अच्छी है, बिस्किट नहीं खाती ना लेकिन तू सिर्फ वो खा के छोड़ देती है ना, है ना। तो ये अम्मा बेटे का रोना धोना। इधर वो चश्मा निकालो, जरा चश्मा निकालो, आँख पे फॉग हो गया पूरा, बताओ आँख। इतना की हरकत, बिस्किट खा के छोड़ देती ना इतना। बेटा पता इजना मम्मा के आँख में क्या हुआ है? डॉक्टर सुई मारा है। क्यों? मम्मा को दर्द हो रहा है। अच्छा ईशान मम्मा को क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है? ए गुस्से में, गुस्सा है क्या? बाबा सुबह से अम्मी के पास नहीं था। चला बद्दू एक्टिंग मत करो ना उसको, क्यों कर रहे हो? ए साला बद्दू, बाबा की नोट चला गया मैं तो मर जाऊंगा। क्यों क्यों चिल्लाएगी, किसको चिल्लाएगी बता? मम्मी के चिल्लाएगी, हाथ लगाएगा तो चिल्लाएगी, हाथ लगाएगा तो चिल्लाएगी वो, सुना ईशान? ईशान अपनी को हॉस्पिटल से लेने के लिए आया, तो इतना बोलती है कि अगर ईशान भाई ने उसकी मम्मी के आँख पे हाथ लगाया तो वो चिल्लाएगी। हाँ ईशान ए जू, इन्हीं तुम्हें को हॉस्पिटल से लेने क्यों नहीं आई? बोल आप मेरे को लेके ही नहीं गए थे। कहाँ बैठी थी तू? कहाँ, मेरे को तो तू दिखी ही नहीं कहीं पे भी। मैं कितना हॉस्पिटल में रो रही थी तुझे तो पता है? मुझे बहुत दर्द दे रहा था बेटा, डॉक्टर लोग ने बहुत सारे इंजेक्शन लगाए मुझे। हाँ बेटा डॉक्टर बुलाता है तो जाना पड़ता है ना। इतना का पढ़ाई करने का मूड हो गया, इन लोग का लगा के ये लोग का पढ़ा रहे, पढ़ाई करेगी ना, रुको हाँ ये पकड़ो आपका लो लो दो। तो यहाँ पर ये पहले रीडिंग देन राइटिंग, ये इन लोग का ए टू जेड का चार्ट इतना पढ़ेंगे। ए फॉर एप्पल, जोर से बोलो, हाँ मूड नहीं है उसका पढ़ाई, ये लोग मूड में नहीं है पढ़ाई करने के, मैंने पहले ही बोला था पढ़ाई नहीं करने वाले लोग। बोलो ए फॉर एप्पल, नहीं है मूड से गया, गया हाँ तू गया ही गया, कर उधर उधर लगा लगा ले, नहीं पढ़ेगी इस तरह का मूड नहीं है लोग आज पढ़ाई करने का। हाँ थोड़ा वो सहम गई, चली नहीं जाओ वापस। तो इतना अक्सर सहम जाती है, कभी भी कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा डर जाती है। बेटी ए बेटी क्या हुआ, बेटी इन्हीं नहीं जाएगी मामा, अभी मामा का हो कैसे? इजना ए इजना बेटी, ओ माय गॉड क्या हुआ बेटी? नहीं जा रहा हाथ, मैं पढ़ाऊँ तू पढ़ेगी, ऊपर जाना है, टच करके नहीं पढ़ते, दूर से पढ़ते।
क्या लगा है? गाड़ी गाड़ी नहीं बोलते, जीप बोलते, जीप, जे फॉर जीप, जे फॉर जीप। हाँ पता है ऊपर है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको। मैं नहीं बता, और दिखाओ अपने फोटो। चलो सबको पढ़ के बताओ। मंकी बन गई तू। ए फॉर जोलू, जोलू मम्मा जा रही है हॉस्पिटल। ये देखो उसका रिएक्शन निकला। आ जा रही है, आ नहीं जा रही, नहीं जा रही है। ये देखो मंकी को, छोटा मंकी। डॉलू डॉलू डॉलू, ए फॉर एप्पल, वेरी गुड। बी फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, सी फॉर सेट, डी फॉर डी फॉर डॉग। क्या कर रही बेटा? बोलो बोलो जॉनी जॉनी लगा। रुक जाओ, अच्छी गुड गर्ल है वो, बोलेगी। अच्छा बोल, जॉनी 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 जॉनी, पापा इतने छोटे पापा। आगे टेलिंग लाइज, टेलिंग लाइज, ट्विंकल ट्विंकल। चलो अच्छा व्लॉग को एंड करते, बोलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बोलना, अरे बोलो बोल, मिलते हैं आपसे, बोलो सी यू गाइस। बोल हाय साथ, साथ आपकी वीडियो देखते हैं, साथ को हाय बोलो। बोल हाय साथ भाई, हाय बोलो, हाय बोल दो। बोलो हाय साथ भाई, बोलो। अच्छा लाइक करो। अच्छा मूड नहीं है क्या? ज्यादा शर्मा रही है, ज्यादा एक्टिंग करिए। एक्टिंग अल्लाह, इजहार इज द यूट्यूब पे कैसे आते है ना, क्या हो गया? एक्टिंग करिए। हां फुल एक्टिंग मोड में।